या देखिए, स्टूडेंट कैन यू हेयर मी? यस सर। देखिए ये क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन को आप अच्छे से करिए, उसमें क्वेश्चन आपका अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो इस बुक से आ सकते हैं आसानी से आपके क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आपको ग्राफ आना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम फंडामेंटल बेसिक ग्राफ तो आना ही चाहिए। y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। देखिए ये लाइन कहां पर आएगा, कैसे ड्रॉ करोगे, ये तो आपको आना चाहिए पहले। ये लाइन कहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ नजर आएगा, ये कैसे ड्रॉ होगा? दो तीन तरीके से आप बता सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट चाहो तो आपके पास अगर नॉलेज हो तो बता सकते हो, एक बच्चे की तरह आप कर सकते हैं, दैट मीन्स की 11-12 के जो बच्चे करते हैं उस तरह का। एक्स की वैल्यू को आप जीरो रखो तो वाई क्या मिलेगा? -3/2, तो 0 और -3/2 कहाँ होगा? एक पॉइंट मिला ना, x इक्वल टू 0 किया तो एक पॉइंट मिला, x कोऑर्डिनेट मिला 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -3/2, वो कहाँ पर दिखेगा, कहाँ दिखाएंगे, कहाँ पर? पीछे वाले y एक्सिस पर दिखेगा कहीं इधर, ठीक है, मतलब कि आपके पास एक पॉइंट जो होगा कहीं इधर आएगा, ठीक है, हो दैट। अच्छा दूसरा बार, इस बार क्या कीजिए, y को आप जीरो कीजिए, 3 तो वे कहां पर मिलेगा, 3 और 0, 3 और 0, y तो जीरो किया ना, तो x 3 और 0, तो 3 और 0 कहां मिलेगा, फर्स्ट एक्सिस पर कहीं मिलेगा, यस सर, फर्स्ट एक्सिस पे y एक्सिस पे, ये यहां पर ये होगा। इन दोनों को आप मिला देते हैं तो ये आपके पास लाइन का इक्वेशन है, आप इस लाइन को कर लीजिए। दोनों पॉइंट से दैट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा लाइन, ठीक है, ऐसा इसी का नाम है एक्स प्लस, सॉरी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, वाई प्लस थ्री। अब नेक्स्ट चलते हैं, वाई इक्वल टू वन, ये क्या होगा, वाई टू वन क्या होगा, कहां पर दिखेगा वाई इक्वल टू वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस पर सर, x एक्सिस के पैरेलल में ऐसे दिखेगा, दिखेगा yes, दूसरे से बना लो, चलो व्हाइट से बना ले, ये हुआ, ठीक है। अच्छा y इक्वल टू -1 क्या दिखेगा, इसके नीचे वाले फॉर्मेट में दिखेगा, नीचे क्या था, ये पॉइंट क्या था, सबसे पहले इसको तो 3/2, -3/2 मतलब कि 1.5, तो 1.5 तो इसके ऊपर ही रहेगा ना, y इक्वल टू -1 क्या, ये चीजों को भी आपको ध्यान में रखना,
थोड़ा इसको आप बैक ही रखते, वाई एक्सिस को बड़ा रखेंगे, वाई एक्सिस बड़ा रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वाई इक्वल टू वन और ये वाई इक्वल टू माइनस वन, तो ये बाउंडेड जो बन रहा है ना आपको इसी का निकालना है, पूरे का ये वाला पूरा कौन सा, ये बाउंडेड कौन कौन सा बाउंडेड, ये लाइन और ये व्हाइट वाला, ये दोनों व्हाइट और ये येलो वाला लाइन, दैट मींस कि आपके पास ये पूरा का पूरा होगा ये पार्ट, ये फाइंड आउट करना कैसे करेंगे, यहाँ से लेकर के कौन सा यही तक चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करो, ट्रायंगुलर फॉर्म नहीं हो रहा है, आपको यहीं तक करना है, इधर नहीं जाना है, आप व्हाइट वाले के ऊपर चलना है। कौन सा ट्रायंगल, अच्छा ये बोल रहे हो, ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये पूरा जो है एरिया यहाँ तक हम बात करें, पूरा ये एक प्रकार से कैसा दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है आप ये बताओ, ये अगर मैं पूरा की बात करूं तो कैसा दिख रहा है। दो तीन तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सबका आंसर एक ही आएगा, बट ठीक है आपकी इच्छा है कैसे करेंगे इसको पेंट करने का, सुना रहा है ये वाला दो पेंट कर दिया मैंने अच्छे से, इसका पेंट हो गया। अब ये देखिए कैसा, ये कैसा है फिगर, ये कैसा फिगर है, ट्रायंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल नहीं सर, तो आमिर शामी के साइड देखो, एक साइड दो साइड थ्री साइड फोर साइड, तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ ना, ठीक है। अब वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या आपके पास और क्या हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, लो ट्रेपीजियम का नाम है, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे भी अब धीरे धीरे भूल गया मुझे भी धीरे धीरे चीजों को पहले याद रहता था, मैं भूल रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको ट्रेपीजियम बोलेंगे, इसको ट्रेपीजियम बोलेंगे, दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन, और ये क्या करेगा, हाइट का काम करेगा, दिस इज द ट्रेपीजियम, इसका नाम आप चाहे तो दे सकते हैं, अगर ये सब्जेक्टिव रहेगा तब क्वेश्चन हम लोग नाम दे करके और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आप चाहें तो नाम दे सकते हो, सपोज दैट दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी, तंबलंब तंबलंब तो तरबूज बोलते हैं सर हिंदी में, तो समलंब चतुर्भुज के लिए क्या होगा बेटा, एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला आएगा वो भी बता दो आप, तो हम लोग एरिया निकाल समांतर भुजाओं का हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। हाँ तो देखिए दो समांतर है ना यहाँ पर, ये दोनों अगर मिल जाए हमारे पास यहाँ से लेकर, यानी कि ए बी मिल जाए, सी डी मिल जाए और ए डी मिल जाए, तो हमारा काम निकल जाए। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, एक तो दूसरा होगा कि आप इंटीग्रेशन का मदद से निकालिए, और दूसरा ये होगा कि आप डायरेक्ट तरीके से अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये मिलता कब है, ये कभी आपका ट्रायंगल मिल जाए, ट्रेपीजियम मिल जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं बिना इंटीग्रेशन के मतलब से भी हम निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन से भी हम बता देते हैं आपको तरीका से। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला पार्ट की मैं बात करूँ तो ये कितना होगा, वन यूनिट होगा, अच्छा ये बात करूँ तो ये क्या होगा, ये होगा, ये भी वन माइनस नहीं, लेंथ माइनस में कभी नहीं होता है, ये सिर्फ सोक दिखा रहा है, ठीक है। तो लेंथ नेवर निगेटिव, तो ये वन वन यानी कि हाइट तो मिल गया ना, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट मिल गया वन वन टू, अब हमें ये पता चल जाता तो हो जाता हमारे पास काम। अच्छा ये निकालने के लिए आप देखिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कट कर रहा है, पहले नोट नहीं कीजिए आप देख लीजिए पहले, ठीक है। तो इक्वल टू वन है यहाँ पर, तो वन रखोगे यहाँ पर तो एक्स क्या मिल जाएगा आपको,
y इक्वल टू वन है तो x क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट, और ये y 5 × 1 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अच्छा यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पर कट कर रहा है, देखिए ये भी लाइन है, ये 2y + 3 y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 रखेंगे तो आपके x इक्वल टू क्या मिलेगा 1, यानी 1 - 1। सबको चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे फाइंड आउट करो, ये 5 क्या दिखा रहा है, यही तो आपको दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, दिस इज द 5 होगा, और ये क्या दिखा रहा है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, हो गया एरिया निकल गया आपके पास, तो एरिया क्या हो जाएगा क्या 5 कैसे आया सर कौन 5, देखो ये 5 कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है ना, तो ये x एक्सिस को दिखाता है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये इतना से x दिखाएगा यहाँ पर, तो ऊपर सामने में भी आपका वही दिखाएगा, थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट 1/2 × सम ऑफ द पैरेलल साइड्स आप बोले थे ना, तो ये 5 और ये क्या हो जाएगा 1 होगा ना, तो 5x 5 + 1 6 × हाइट कौन सा होगा, ये होगा, ये कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 6 square unit, दैट मींस यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को क्या हुआ कि हीट एंड ट्रायल के तरीके से आप लोग कर दिए, और ये सब ट्रायंगल वगैरह रहे तो आप हीट एंड ट्रायल से ही करें तो बेटर रहेगा। हाँ सब्जेक्टिव कहने के लिए दिया तो आपके पास बनाने के लिए, तो आप इंटीग्रेशन के मदद से भी बना सकते, इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे इसको देखते हैं। चलिए इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ये सब चीज लाया क्यों गया पता है, कभी कभी सोचिए इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन पूछते रहते हैं ना आप लोग, सर ये मैथ क्यों पढ़े, इंटीग्रेशन क्यों पढ़े, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़े, क्या यूजेस है, क्या इंजीनियरिंग के लिए इनका यूजेस है, तो उनको क्या किया गया कि जब जो क्षेत्र जो होता है आपका, जैसे पैराबोला है, इलिप्स, सर्कल टाइप का, जो एकदम अजब टाइप का है, और उसका एरिया निकालना है, और तब जाकर उनको हेल्प किया जाता है ताकि एग्जैक्टली निकल सके, सीधे सीधे के लिए नहीं, जिसका कोई सर्टेन शेप नहीं है उसका एरिया निकालने के लिए, हाँ उसके लिए थोड़ा सा आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, नोट हो गया यस सर, अब आइए इसका हम एक थोड़ा सा नोट करके बता रहे हैं, देखिए कोई अगर ये फंक्शन हमने ले लिया y is equal to fx, y is equal to हमने ले लिया थोड़ा और शेट, यहां देखिए era
मतलब कुछ भी है, पैराबोला नहीं है, फंक्शन है, मतलब ऐसा लग रहा है जो हो सकता है पैराबोला हो, मतलब आपको थोड़ा सा मेरे को, तो आपको अगर ऐसा दिया रहा है कर्व और इसका आपका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोले, जैसे ये पार्ट का एरिया बोलेगा आपको निकालने के लिए, इस पार्ट का एरिया बोलेगा आपको निकालने का, तो इस पार्ट का एरिया जो होगा, एरिया ये जो एरिया निकालते हैं वे निकालते हैं ए से लेकर के बी तक, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए से लेकर के ये बी तक, यहां पर जो होता है यहां पर एक्स डीवाई होता है, एक्स डीवाई होता है, ठीक है, एक्स डीवाई, और एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहां से आप एक्स फाइंड आउट करना है, अगर ये कुछ दिया रहेगा तो यानी कि इनवर्स ऑफ एफ लगेगा यहाँ पर, एक्स निकालेंगे आप तो यहाँ पर ये होता है कि इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर, तो ये एरिया को निकाल के फॉर्मेट में होता है, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, ज्यादातर एरिया होता है, लेकिन आपके पास 40% ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो वाई से आसानी से कर सकते हैं, मतलब डीवाई के फॉर्मेट में लाएंगे तो आप आसानी से होगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर डीवाई है तो यहाँ पर जो होगा लिमिट जो होगा वाई का ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा एक्स, तो एक्स है तो ये तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता है कि यहाँ पर वाई का फंक्शन होना चाहिए था, तो आपको एक्स यहाँ से फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, इस क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं हम एरिया से रिलेटेड, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर एरिया जो होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था, इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर के वन तक, हमने बताया था ना यहाँ पर एक्स डीवाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन से लेकर के वन तक, अब देखो यहाँ पर एक्स यहाँ से क्या है टू आई प्लस थ्री ना, आप यहाँ लिख दीजिए टू आई प्लस थ्री dy, ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये हो जाएगा माइनस वन से लेकर के वन तक, ये क्या हो जाएगा टू को आप कर लीजिए y प्लस, इसको आप देखें माइनस वन से लेकर के वन तक, यहाँ पर थ्री dy, यहाँ पर भी dy होगा, अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो भी आपके पास x एक्सिस के नीचे होगा उसका जो होगा आपके पास निगेटिव मैग्नेटिक फंक्शन, लेकिन एरिया का भी निगेटिव नहीं होता है, तो अगर जो भी आप देखें कि जैसे कि यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ ध्यान से लगा करके देखें, यहाँ से आप इसको तोड़े तो माइनस वन से लेकर के जीरो एक बार होगा, जीरो से लेकर के वन तक इंटीग्रेशन होगा, हालांकि यहाँ देखो तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आप देखोगे तो जीरो टाइप का दिखना लगेगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा तुम बताओ, क्यों, अगर आप इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, करके देखो क्यों होगा जीरो, ऑड फंक्शन है, फंक्शन में डेफिनेट में आपको ये चीज हो जाती, तो इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, हम लोग ब्रेक करेंगे एक्चुअली यहाँ पर पूरा लिखना ऐसे थोड़ा गलत है, आप ऐसे कर ले तो बेटर है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं जाता, एक इसको आप ऐसे करो माइनस वन से लेकर के जीरो तक टू वाई प्लस थ्री डी वाई, जीरो से वन तक टू वाई प्लस थ्री डी वाई, अच्छा माइनस एक्स एक्सिस के नीचे में है, तो इसको आप क्या करेंगे मोड लगा कर, जब एरिया निकालना होगा तब, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं, यहाँ पर एक कंसेप्ट है अपने पास कि अगर एक्सिस के नीचे वाला पार्ट अगर दिखता है तो आपको मोड लगा कर रखना, अब इसको एरिया इसका निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए, दोनों का सेम ही आने वाला है बट ये मोड के फॉर्मेट में आएगा, तो आप एक को निकालो ये क्या हो जाएगा टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉरी वाई स्क्वायर बाई टू, और टू टू तो है तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाई स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा थ्री वाई कहाँ तक माइनस वन से लेकर के जीरो तक, मोड लगा कर रखेंगे, निगेटिव आने वाला है, यहाँ पर भी क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई और इसमें क्या होगा जीरो से लेकर के वन, ये पॉजिटिव आने वाला है, इसको मोड लगाने की जरूरत नहीं, अब सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ये वैल्यू कितनी होगी जीरो जीरो माइनस में होगा ना माइनस वन, और इसके पास जाएंगे तो क्या मिलेगा
माइनस थ्री ना अच्छा होगा। हाँ तो माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होगा ना, तो सेकंड वाला में जा रहा है ना, जीरो वाला तो पहले कैंसिल हो गया होगा, ये होगा तो ये मोड लगेगा और यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो यही चीज होगा प्लस थ्री होगा, ये क्या होगा थ्री और फोर कहाँ पर ये नहीं सर बोलिए ना ऑडियो ऑफ करेगा। ठीक है यहाँ पर देखिए मैंने रखा जीरो रखेंगे तो क्या होगा जीरो स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो अपर लिमिट ना पहले रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखोगे माइनस लगे तो माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस का स्क्वायर फिर क्या होगा माइनस थ्री इंटू माइनस वन ये होगा। नहीं ये गड़बड़ हो रहा था चलिए यहाँ पर आप जाएंगे तो इसके पास पहुंचेंगे तो क्या होगा वन स्क्वायर और प्लस ये क्या होगा थ्री इंटू वन ये मोड लगा कर रखेंगे आप निगेटिव आने का चांसेस है ये क्या हो जाएगा माइनस वन ये तो खत्म हो गया और ये इसके पास पहुंचेंगे तो क्या होगा प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा ना सर प्लस थ्री नहीं होगा माइनस थ्री होगा सर वहाँ आगे में माइनस है ना तो माइनस को वन से मल्टीप्लाई के तो माइनस इसको बोल रहे हैं तो ये प्लस थ्री होगा ना ठीक है ना ये ठीक है और ये क्या होगा वन प्लस थ्री कौन सा माइनस में नहीं आया अरे वो गलत लिखे हुए थे उस समय हम ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा और ये फोर देखिए सिक्स आया इससे भी वही आएगा ये माइनस थ्री है माइनस वन है तो प्लस होगा ना टकराएगा तो ये थ्री होगा है। वे तो एक साथ कर लिए थे इसको मैंने माइनस वन मतलब ये होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट एक ही साथ हमने करते चले गए वहां से उसको ले भी लिया था अगर भाई ऐसे लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा इसको प्लस करके कर इसे मोड लगाना पड़ेगा बिल्कुल नहीं ठीक है ये मोड लगाए रखेंगे अगर आ गया निगेटिव तो ये आपको सही करेगा नहीं आ रहा तो ठीक है कोई बात नहीं हाँ ये इंटीग्रेशन के तरीके से आपको बनाने का बताया मैंने सर इसे मोड क्यों ना सर दो पार्ट में किए इसलिए किसको इंटीग्रेशन बोल रहा है सर दो पार्ट में डिवाइड क्यों किए इसको मोड लगा के ये बोल रहा है आप नहीं भी करेंगे मोड इसलिए किए कि अगर आपके पास ऐसा आ रहा है कि माइनस वन से लेके जीरो वे नेगेटिव हो सकता था ठीक है अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है नेगेटिव रहेगा तो उसमें मोड लगाना पड़ता है सर ये बोल रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड क्यों किए इसको ये बोला था
आप एक पार्ट में भी करोगे तो इससे आ जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जो निगेटिव दिखता है ना, ये देखो एरिया जो दिख रहा है यहाँ से एक्स एक्सिस से, तो ये आप इसका इंटीग्रेशन जब आप निकालोगे तो निगेटिव आने का रहता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो निगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव बना करके आपको लिखना है, एरिया निगेटिव नहीं होता है, इंटीग्रेशन जो है निगेटिव आ सकता है बट एरिया नहीं निगेटिव होगा। तो उसके जो आप एरिया निकाल रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको आप पॉजिटिव करिए क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है, बट सिंपल इंटीग्रेशन रहेगा तब वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यस सर। चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी लोग से बनना चाहिए। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वन and the straight line एक ही लाइन है, x plus y is equal to 3 is what, options भी दे रखे हैं इसमें, c (9/2)² ऑप्शन बी (4)² ऑप्शन सी (6)² एंड ऑप्शन डी (17)√17)² क्या होगा? सो अब 11-12 का ये क्वेश्चन है सारा का, 12 में पढ़ना। क्या बैजू के क्या ये दे रखा है आपको (y-x²)(x+y=3) चलिए देखते, सबसे पहले तो आपको ग्राफ आना चाहिए, (y=x²-1), दूसरा है (x+y=3). This is the y, this is the x, this is the origin. X square minus y क्या होगा? Y equal to x square का ग्राफ जो होता है ऐसा बनता है, ठीक है? और माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा? नीचे क्या बात है? कुछ कुछ याद रख रहे हो तुम लोग, मेमोरी है तुम लोगों के पास, ठीक है? तो क्या भाई कि y x square ऐसा होगा, अगर माइनस वन यूनिट है तो वन यूनिट नीचे की ओर आ जाएगा, दैट मीन्स की ऐसा होने वाला है, ठीक है? थोड़ा और अच्छा बनेगा, ये वन यूनिट दैट मीन्स ये वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा, 0, -1, ठीक है? ये अब आपसे फिर ये पूछ रहा है ये लाइन कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा? अच्छा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो क्या?
ये निकल सकता है, क्या होगा? एक्स को जीरो कर लेंगे, इस पर एक्स एक्सिस जीरो होता है क्या? एक्स एक्सिस पर जीरो होता है एक्स, वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस, तो वाई जीरो करोगे तो एक्स क्या मिलेगा? थ्री मिलेगा। इसकी बात हो रही है अभी, यहाँ पर कहाँ हो तुम? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वन, तो एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, प्लस किसको देगा? इसको देगा वन कॉमा जीरो, माइनस किसको दे देगा? इसको दे देगा, ठीक है, 800 भी निकल गया। अब चलिए इसके पास पहुंचते हैं, ये कहाँ होगा? इसको भी उसी तरह से कर लो जैसा अभी कुछ बताया पहले, एक्स जीरो करो वाई जीरो करो, तो एक्स जीरो करोगे तो वाई क्या मिलेगा? थ्री, यानी कि जीरो कॉमा थ्री, जीरो कॉमा थ्री कहीं मिलेगा? इधर होगा, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये वाई एक्सिस पर। अच्छा अगर मैंने वाई को जीरो कर लिया तो क्या आएगा? थ्री कॉमा जीरो, कहीं इधर मिलेगा, यानी कि ऐसा नजर आना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये तो वन यहां पर है, कहीं इधर होगा, ये हो गया। अब आपको इसी के बाउंडेड क्षेत्र का बात कर रहा है कि इस बाउंडेड का बताइए, और कुछ लिखा है कि? और कुछ नहीं लिखा है, और कुछ लिखना चाहिए? एक्स एक्सिस की चर्चा ही नहीं किया उसने, अरे तो और बढ़ेगा ये, और बढ़ेगा, अब इसने जब बात नहीं किया तो और बढ़ेगा ये, और ऐसे होगा, ठीक है, ये जाएगा, मतलब कि यहाँ ये होगा, अगर उसने एक्सेस की बात नहीं की ना, इसलिए अब ये यहां से लेकर के यहां तक, और ये पूरा क्षेत्र चाहिए इसको, ठीक है, ये पूरा का पूरा चाहिए, ये देखो, और देखो ये कैसा है। अब इसी इसी को क्या कहते हैं ना, इंजीनियर बोलते हैं कि भाई ये ऐसा क्षेत्र है आपका, सीधा सीधा तो निकाल लेते हो तुम, ट्रेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो लाए आप मेजरमेंट मीटर लाए और मेजर करके बताता है कोई भी लेंथ इनटू ब्रेथ, जब इसको ऐसा दिया जाएगा तब प्रश्न चालू कर सकते हैं, तब उस लोग को हालांकि इक्वेशंस वगैरह पता होना चाहिए, चीजें हो, इसके लिए भी कुछ कुछ हिंट्स दिए रहेंगे, तब होगा। आप ऐसे को फिगर का आपको एरिया चाहिए, इसको कैसे करेंगे? ये लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस वाई थ्री, यहाँ पर एक लाइन हम अपने मन से खींचते रहे, ये लाइन का इक्वेशन बताइए तो क्या होगा? ये लाइन जो खींचा हमने, ये होगा वाई इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन पर ड्रॉ हो रहा है ना, तो इसको मत खींचो, इसको ड्रॉ करोगे तो आएगा, यहां से ड्रॉ करिए तो ये क्या होगा? ये x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस वन कैसे जाने? x एक्सिस पर है, तो ये सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं रहा ये क्वेश्चन, फिर चलिए इसको होमवर्क में रखते हैं, नहीं है इसको, ठीक है होमवर्क में रखते हैं।